हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा हमने नोवेल का जो है स्ट्रक्चर पार्ट है वो कंप्लीट कर लिया था। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो हमने देख लिया था, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर्स एंड उसके कुछ डिटेल्स हमने देख लिया था। आज हम लोग इसकी बात करेंगे सेंटेंसेस की, ठीक है। आज हम लोग देखते हैं इंडोल का सेंथेसिस। हम इंडोल को, इंडोल का मेथड ऑफ प्रिपरेशन या मेथड ऑफ सेंथेसिस, हम इंडोल को प्रिपेयर कैसे करते हैं। तो इंडोल को प्रिपेयर करने के लिए फर्स्ट जो सेंथेसिस होता है वो होता है फिशर इंडोल सेंथेसिस, ठीक है। ये इसका है फर्स्ट जो है, ये फर्स्ट मेथड है फिशर इंडोल सेंथेसिस, ठीक है। इस मेथड को देख लीजिए, आपको याद हो जाना चाहिए। तो इसमें हम क्या करते हैं, रिएक्शन ऑफ एराइल हाइड्राजिन्स, रिएक्शन ऑफ एराइल हाइड्राजिन्स, ठीक है। ये क्या होता है, एराइल हाइड्राजिन्स क्या होता है, विथ एल्डिहाइड्स, विथ एल्डिहाइड्स, ठीक है। यहाँ पे हमको सबसे पहले तो याद करना है कि इस सेंथेसिस का नाम है फिशर इंडोल सेंथेसिस, ठीक है। उसके बाद जो रिएक्शन है, रिएक्शन में हमको याद रखना है एराइल हाइड्राजिन्स और एल्डिहाइड्स, लाइक कीटोन्स गिव, ठीक है, एल्डिहाइड्स। उसके बाद क्या, like ketones, yes, ठीक है। अब देखो क्या क्या याद करना है, यहाँ पे आपको एल्डिहाइड्स याद रखना है और कीटोन्स याद रखना है, ठीक है। ये सब मेथड का नाम और जो याद रखना है पहले देख लो, ठीक है। गिव्स रिस्पेक्टिव एराइल हाइड्राजोन्स, ठीक है, गिव्स रिस्पेक्टिव एराइल हाइड्राजोन्स, ठीक। यहाँ तक हो गया यार, फर्स्ट हमारा मेथड है इंडोल सेंथेसिस इंडोल का। इसमें हम देखते हैं सबसे पहला मेथड है हमारा मेथड वन या ए, इसको वन कर सकते हैं, वन। ये है हमारा फिशर इंडोल सेंथेसिस रिएक्शन, ठीक है। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्शन ऑफ एराइल हाइड्राजिन्स विथ एल्डिहाइड्स। जो एराइल हाइड्राजिन्स है यहाँ पे हमारा, उसका जो ये कोई केमिकल है, ठीक है। तो एराइल हाइड्राजिन्स का हमारा जो कंपाउंड है एराइल हाइड्राजिन्स, उसका क्या होता है, विथ एल्डिहाइड्स, एल्डिहाइड्स लाइक कीटोन्स, ठीक है। इसके साथ क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है एराइल हाइड्राजिन्स का और कीटोन्स एल्डिहाइड्स का, गिव्स रिस्पेक्टिव एराइल हाइड्राजोन्स, जो क्या दे रहा है हमको, क्या बना के दे रहा है, एराइल हाइड्राजोन्स, ठीक है। ये क्या है हमारा, एराइल हाइड्राजिन है, तो एल्डिहाइड या कीटोन रिएक्शन करने के बाद ये क्या बना रहे, एराइल, एराइल हाइड्राजोन्स, ठीक है। बस जीन्स में जोन्स का डिफरेंस है, ठीक है। फिर हम नीचे यहाँ पे लिखते हैं एराइल हाइड्राजिन्स अंडर गो एसिड्स, ठीक है। ये क्या है हमारा, एराइल हाइड्राजोन्स अंडरगो एसिड्स, इसको मिटा देती हूँ। अब यहाँ तक समझ आ गया कि जो एराइल हाइड्राजिन्स है वो रिएक्शन करते हैं एल्डिहाइड्स कीटोन के साथ, जो क्या देता है, रिस्पेक्टिव एराइल हाइड्राजोन्स, कैटेलाइज्ड रीअरेंजमेंट टू। अब इसके बाद क्या आएगा, कैटेलाइज्ड रीअरेंजमेंट टू इंडोल,
ठीक है, इंडोर वर्ड आ गया, मतलब अब हमारा जो इंडोर जो कंपाउंड है वो क्या होने वाला है यहाँ पे, प्रिपेयर होने वाला है विद द एलिमिनेशन ऑफ अमोनिया, विद द एलिमिनेशन ऑफ अमोनिया। ठीक है, क्या क्या हुआ यहाँ पे, एराइल हाइड्राजिन्स, एराइल हाइड्राजिन्स कैसे बना पता है, अंडरगोस एसिड्स, फिर है कैटेलिस्ट रीअरेंजमेंट टू इंडोल विद द एलिमिनेशन ऑफ अमोनिया। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, जो कैटेलिस्ट रीअरेंजमेंट करके अमोनिया को एलिमिनेट कर रहे हैं। ठीक है, और अमोनिया एलिमिनेट करने के बाद अपना क्या प्रिपेयर हो रहा है, इंडोल या इंडोल डेरिवेटिव्स। अब ये इसका थ्योरी पोर्शन था, थ्योरी पोर्शन समझ आ गया होगा, तो हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर्स में। स्ट्रक्चर्स बनाना जरूरी है, हमने थ्योरी पढ़ लिया समझ लिया, अब उसको क्या करना, हमको यहाँ पे स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने पड़ेंगे। सबसे पहले है फिनाइल हाइड्राजिन, ठीक है, फिनाइल हाइड्राजिन, ठीक है, फिनाइल हाइड्राजिन का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, एक बेंजीन रिंग होती है, यहाँ पे क्या होता है, नाइट्रोजन होता है और एक हाइड्रोजन होता है और एक क्या होता है यहाँ पे NH2 ग्रुप रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो बॉन्ड रहता है वो इस टाइप का रहता है, इधर ठीक है, ये अपना हो गया फिनाइल हाइड्राजिन। ठीक है, इसे हम पढ़ रहे हैं फिशर इंडोर सेंथेसिस के अंदर। इसके बाद क्या होता है, ये एसीटोन से रिएक्शन करता है, एसीटोन क्या होता है, S3C यहाँ पे याद रखना है, S3C यहाँ पे याद रखना है, CH3I, ठीक है, अब ये क्या बनाता है यहाँ पे एसीटोन। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए S3C CH3I, और यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे एक और बॉन्ड है ना, ये तो डबल बॉन्ड, ये क्या होता है एसीडोन, एसीटोन। ठीक है, तो फिनाइल हाइड्राजिन और एसीडोन, एसीटोन यहाँ पे रिएक्शन कर रहे हैं, और रिएक्शन करने के बाद H2O के प्रेजेंस में, ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होगा, H2O के प्रेजेंस में इसको मिटा देते हैं, ठीक है, फिर जो ये दोनों मिलके क्या करेंगे, H2O के प्रेजेंस में मिथाइल हाइड्राजोन प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो मिथाइल हाइड्राजोन का स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं हम। ठीक है, सबसे पहले याद है, मैं इसलिए आप लोग को धीरे धीरे समझा रही हूँ, सबसे पहले क्या हुआ, इसमें क्या बना था, सबसे पहले हमारा जो बना था वो कंपाउंड था फिनाइल हाइड्राजिन और एसीटो, जो मिलके क्या बना रहे हैं, फिनाइल हाइड्राजोन को, तो फिनाइल हाइड्राजोन का स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है, यहाँ पे हो गया अपना NH कंपाउंड, अब ये क्या है हमारा बेंजीन रिंग, तो इसमें क्या होते हैं, यहाँ पे अपना एक बॉन्ड, यहाँ पे एक बॉन्ड और यहाँ पे एक बॉन्ड लगाते हैं। ठीक है, फिर इसमें क्या होता है, फिर से हम यहाँ पे ले लेंगे नाइट्रोजन, और अपने दोनों रिएक्शन में से क्या क्या बच गए हैं, डबल बॉन्ड था उसमें और क्या था, क्या है इसमें S3C और क्या है CH3, तो यहाँ पे हो जाएगा H3C और क्या बचा फिर CH3। ठीक है, दोनों स्ट्रक्चर में से ले लिए हमने H2O के प्रेजेंस में। उसके बाद हम क्या करेंगे, एसिड कैटेलिस्ट या जिंक क्लोराइड, अब इसके बाद रिएक्शन आगे बढ़ेगा किसके प्रेजेंस में, एसिड कैटेलाइज्ड या एसिड कैटेलाइज्ड या यहाँ पे क्या लेंगे हम, Zn(CN2) जिंक क्लोराइड लेंगे। ठीक है, कैटेलिस्ट लेंगे यहाँ पे, जिसमें ये क्या होगा, इंडोल में कन्वर्ट हो जाएगा,
ठीक है, ये इसका फर्स्ट स्टेप क्या बना था याद रखना, सेकेंड में ये बना था, थर्ड में ये बना, ठीक है, और फोर्थ में हम क्या ले रहे हैं, एसिड कैटेलिस्ट। ऐसा करके ये पूरे क्या करते हैं, फोर्थ स्टेप में ये कंप्लीट होता है। ठीक, इसे मिटा देते हैं। ये हम इस साइड पे लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या जाएगा, एसिड कैटेलिस्ट आ जाएगा, और यहाँ पे क्या जाएगा, जिंक क्लोराइड। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे जिंक क्लोराइड और क्या गया, और एसिड कैटेलिस्ट। ठीक है, फिर इसमें इसके बाद क्या बनता है हमारा, इंडोल। इंडोल का स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है, याद आ रहा है कुछ, NH, और क्या रहता है इसमें, इस स्ट्रक्चर में रहता है CH3। यहाँ पे बॉन्ड रहते हैं, यहाँ पे रहता है, यहाँ पे क्या रहता है, CH3। ठीक है, तो ये हमारा है, ये प्रिपेयर हो गया। ठीक है, फिशर कौन सा रिएक्शन था ये हमारा, फिशर इंडोल सेंथेसिस रिएक्शन से। ठीक है, इसमें हमने सबसे पहले क्या किया था, सबसे पहले इसमें हमने लिया था रिएक्शन ऑफ एराइल हाइड्राजिन्स। ठीक है, रिएक्शन ऑफ अब मैं आप लोगों को समझने के लिए बताती हूँ। सबसे पहले हमने क्या लिया था यहाँ पे, फर्स्ट में हमने लिया था स्ट्रक्चर्स की बात करें हम, तो हमने सबसे पहले यहाँ पे लिया था फिनाइल हाइड्राजिन। ठीक है, फिनाइल हाइड्राजिन। ठीक है, थ्योरी में बता दी हूँ कौन सा कैसे प्रिपेयर हुआ था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे एसीटोन आया। ठीक है, सेकंड में क्या है अपना, एसीटोन आ गया। ठीक है, फिर एसीटोन को क्या किया, यहाँ पे ये कुछ बनेगा, फिर क्या बना था ये अपना H2O, यहाँ पे हम यूज किए थे, फिनाइल हाइड्राजोन में कन्वर्ट हो गया था। यहाँ पे क्या था, H2O, H2O से क्या बन गया था, ये फिनाइल हाइड्राजोन। ठीक है, फिनाइल हाइड्राजोन हमने बना दिया था। उसके बाद हमने लास्ट क्या प्रिपेयर किया, यहाँ पे ZnCl2। ठीक है, यहाँ पे क्या लिया हमने, ZnCl2। ठीक है, जिंक क्लोराइड लिया था, ZnCl2, और क्या लिया था यहाँ पे, H+, और क्या लिया था यहाँ पे, एसिड कैटेलिस्ट। फिर हमारा क्या बन गया यहाँ पे, कंपाउंड। ठीक है, सबसे पहले ये क्या होता है, फोर स्टेप में कंप्लीट हुआ अपना जो फिशर, फिशर क्या है, इंडोल सेंथेसिस। सबसे पहले जो फिनाइल हाइड्राजिन और एसीटोन, ये दोनों मिलकर H2O के, फिर ये सब मिलके क्या बनाते हैं यहाँ पे, फिनाइल हाइड्राजोन को H2O के प्रेजेंस में। फिर ये क्या करता है, जिंक क्लोराइड एसिड कैटेलिस्ट का से क्या प्रिपेयर होता है, ये हाइड्रोजन के प्रेजेंस में अपना कंपाउंड प्रिपेयर हो जाता है। तो ये हमारा क्या है, फर्स्ट मेथड ऑफ सेंथेसिस ऑफ क्या है, इंडोल। ठीक है, इंडोल को हम फिशर इंडोल सेंथेसिस से हमने प्रिपेयर करना सीख लिया है। नेक्स्ट जो रिएक्शन है हमारा वो है मॉडलिंग इंडोल सेंथेसिस। ठीक है, फर्स्ट जो मेथड था वो था फिशर इंडोल सेंथेसिस। ठीक है, अब सेकंड वाला जो है वो है मॉडलिंग इंडोल सेंथेसिस। तो इसे आप इंडोल मॉडलिंग से भी याद कर सकते हैं,
मॉडलिंग इंडोर सेंथेसिस, फर्स्ट जो है फीसर इंडोर सेंथेसिस, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं मॉडलिंग इंडोर सेंथेसिस। ये क्या होता है, 2-methyl aniline, इसमें हम लेते हैं यहाँ पे 2-methyl aniline, ठीक है। मैं लिखते जाऊंगी और उसी समय क्या करते जाओगे आप, याद करते जाओ। यहाँ पे हम लेंगे 2-methyl aniline, जिसे हम क्या बोलते हैं, आर्थो टॉलुडीन, ठीक है। यहाँ पे हम ले लेंगे ओ टॉलुडीन, ठीक है। इसे ही बोला जाता है एन मिथाइल एनिलीन को, रिएक्ट्स विथ एसिटाइल क्लोराइड, रिएक्ट्स विथ एसिटाइल क्लोराइड, लिख देते हैं यहाँ पे रिएक्ट्स विथ एसिटाइल क्लोराइड, ठीक है। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या लिया है, एन मिथाइल एनिलीन को, जिसे हम क्या लिखेंगे, ओ टॉलुडीन लिख सकते हैं, रिएक्ट्स विथ एसिटाइल क्लोराइड, जो रिएक्शन किसके साथ कर रहा है, एसिटाइल क्लोराइड के साथ, ठीक है। गिव रिस्पेक्टिव एन एसिटाइल डेरिवेटिव, गिव रिस्पेक्टिव एन एसिटाइल डेरिवेटिव, ठीक है। जो जब जो हमारा 2-methyl aniline या हमारा क्या है टॉलुडीन जब है वो रिएक्ट करता है किसके साथ, एसिटाइल क्लोराइड के साथ, तो वो क्या बनाता है, एन एसिटाइल, और यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, एन एसिटाइल डेरिवेटिव, ठीक है। क्या फॉर्म करता है, एन एसिटाइल डेरिवेटिव को ये फॉर्म करता है हमारे मॉडलिंग इंडोर सेंथेसिस में, ठीक है। सबसे पहले तो हमें इसे प्रिपेयर करना है, तो हमें एक मिथाइल एनिलीन चाहिए, मिथाइल एनिलीन मिल गया, उसके बाद हमें चाहिए एसिटाइल क्लोराइड चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये दोनों भी मिल गया, तो उसे हमें मिक्स करना होगा, मिक्स करने के बाद ये क्या प्रिपेयर करेगा, एन एसिटाइल डेरिवेटिव को फॉर्म करेगा। नेक्स्ट और इसमें और रिएक्शन है,